अजीज तुलबा, अब हम बैनुल अक्वामी खरीदारी के बारे में कुछ मालूम हासिल करेंगे। 24 घंटे की दिन की इब्तिदा निसफ शब 12 बजे से होती है, ये बात हम बेहतर जानते हैं। जमीन की महवारी गर्दिश की वजह से हर मकाम पर निसफ शब अलग अलग वक्त में होती है। जमीन गोल होने की वजह से हर जगह के मशरकी सिमत कोई ना कोई मकाम आता है। मशरकी मकाम पर दिन की इब्तिदा सबसे पहले कहां से होती है, ये सवाल है। इस किस्म के कई सवालों के जवाब के लिए 1864 में वॉशिंगटन में अमरीकी प्रोफेसर ड्यूटसन की रहनुमाई में कई ममालिक के नुमाइंदों ने मिलकर बैन अल-अक़वामी खत तारीख तय किया। ये खत ग्रिंज के एन मुकाबिल 180 दर्जा तुल बुलंद पर बनाया गया है। ये खत पार करते वक्त बैन अल-अक़वामी इशारों का ख्याल रखना जरूरी होता है कि तारीख और दिन की तब्दीली की जाए। बैन अल-अक़वामी खत तारीख को मुकम्मल तौर पर बैरुल कायल से गुजारने की कोशिश की गई। अगर ये खत जजीरों और किसी जमीनी इलाके से गुजारा जाता तो वहां के लोगों को दिन और तारीख बदलना पड़ती। वहां मशरिकी सिमत एक दिन और एक तारीख दिखाई देती तो मगरिब तरफ दूसरा दिन और दूसरी तारीख दिखाई देती। इसके अलावा जमीन से गुजरते वक्त ये खत कब पार हुआ और दिन कब तब्दील हुआ ये समझ नहीं आता। इसी वजह से बैन अल-अक़वामी खत तारीख को 180 दर्जा तुलुल बलद की तरह सीधा नहीं बल्कि कुछ मकामात पर 180 दर्जा तुलुल बलद के मशरिक की तरफ तो कहीं मगरिब की तरफ झुका हुआ है। बैन अल-अक़वामी खत तारीख में वक्त के एतबार से कई मरतबा तब्दीलियां की गई। आखिरी तब्दीली 2011 में की गई। इसके बावजूद बैन अल-अक़वामी खत तारीख का ज्यादातर हिस्सा 180 तुलुल बलद से होकर गुजरता है।